हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट। जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराना स्टार्ट ऑलरेडी कर दिया है। लैंग्वेज के प्रोवाइड करा रही हूँ, करंट अफेयर्स के प्रोवाइड करा रही हूँ, साइंस एंड एसएसटी के इंक्लूडेड है उसमें। तो ये मैं प्रैक्टिस सेट आपको दे रही हूँ। आज का प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज के साथ रीजनिंग भी है। येस, तो आज हम कवर करने वाले हैं इंग्लिश, हिंदी और साथ में रीजनिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। अच्छा देखिए, आप लोग बहुत कहते हैं कि क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के लाइए, हाई लेवल के लिए। पहले इस टॉपिक पे थोड़ा सा आज मैं क्लियर अपना जो क्लैरिफिकेशन है वो दे देती हूँ। क्वेश्चन हाई लेवल के, देखिए आप जितना भी हिस्ट्री, मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया था कि किस टाइप का पेपर आएगा, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था। और आप ये गारंटी ले लीजिए कि मैक्सिमम पोर्शन बेसिक ही आना है पेपर में। आपको क्यों इजी लग रहा है अभी जो भी मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ, आपको बहुत बेसिक लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने ऑलरेडी यूपी डेट के लिए इतना पढ़ा, सी डेट के लिए आप मतलब कितने महीनों से, अभी 3-4-10 महीनों से आई थिंक पढ़ाई में ही डूबे हैं दिन रात, है कि नहीं है? तो अब आपको वो चीज़ें ईजी लग रही हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ गया और वो चीज़ें आप छोड़ दें, हाई हाई लेवल की बस पढ़ते रहें, बेसिक चीज़ें छोड़ देंगे और एग्ज़ाम में बेसिक आएगा तो आपसे गलती होगी। जैसे यूपी डेट में कितने लोगों से भाई गलती हुई थी, उनको पता ही नहीं था कि शुद्ध पानी को पोटेबल वाटर कहते हैं, पीने योग्य जल कहते हैं। मतलब साफ साफ लिखा है पीने योग्य जल, लेकिन बहुत लोग आंसू जल लगा के थे। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें इंक्लूड करके रखती हूँ। जैसा ये कि आना है मॉडल पेपर के आधार पे, मैं ये नहीं कहती कि पेपर एकदम से हलवा आएगा। पेपर एक बैलेंस एक रहेगा, उसमें इजी भी आएगा, टफ भी आएगा। तो हर टाइप के क्वेश्चंस को हमको कवर करनी है। फिर भी अगर आपकी डिमांड है कि नहीं हम ये सब तो कर चुके हैं, और ये प्रैक्टिस कुछ आपको इसलिए होता है कि आपने कितना पढ़ा है, अपनी कैपेबिलिटी को जाँचने परखने के लिए होता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन में इंक्लूड होना ज़रूरी होता है। और अब धीरे धीरे लेवल जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो हाई होता जाएगा, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे आज का ही हमारा जो है तो उसमें लैंग्वेज है, साथ में रीजनिंग है। तो रीजनिंग मैंने उसी टाइप की इंक्लूड की है जैसे पिछले भर्ती एग्ज़ाम में आई थी, ठीक है? बहुत सारे उसमें ब्लड रिलेशन भी है, उसमें आपका डायरेक्शन वाला भी है, उसमें आपका ABCD वाला कोड वाला भी है। तो बस वही चीज़ें मैंने, हो सकता है कि आपने पढ़ा है तो आपको ईजी लगे, पर जो आया था कुछ कुछ वैसा ही मैं चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ अपने प्रैक्टिस सेट में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 1 मिनट आपका मैंने वेस्ट कर ही दिया है, पर समझाना ज़रूरी था। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक समास है, प्रत्येक में समास कौन सा है, आपको ये बताना है। बेसिकली ये इजी ही है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। तो प्रत्येक में क्या है? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रतिधन एक। अब यहाँ पे देख लीजिए, तिरंगा है, तिरंगा क्या है? कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, तिरंगा जनरली द्विगु समास होता है बिकॉज यहाँ पे 3 अलंगों की बात हुई है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आप यूपी टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, यही आया था। एक क्वेश्चन जरूर आता है शुद्ध अशुद्ध शब्द से, है ना? कि कोई एक शब्द दिया रहेगा, उसका शुद्ध रूप आपको बताना रहेगा। हर पेपर में एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है, इसलिए इंक्लूड किया है। अब आप ये मत कहिएगा कि बहुत ही ईजी है, ईजी तो है पर क्या करें, जैसा मॉडल पेपर, जैसे मेरा अपनी थंबनेल में देखा होगा ना, मॉडल टेस्ट के बेस पे करा रही हूँ, तो मॉडल पेपर के बेस पे तो यही सब है मॉडल टेस्ट पेपर में। और फिर हाई लेवल का चाहिए तो बताइए, फिर एक दिन बढ़िया से क्लास पूरा बना के हाई लेवल का और आपको प्रोवाइड कराती हूँ जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तब, ठीक है ना? टाइम लगेगा थोड़ा सा पर प्रोवाइड करा दूँगी, डोंट वरी। सही आंसर आपने गेस कर लिया ना, तो सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवयित्री। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्याणी, सूरी, सूरा या सूर्या? अरे ये दो वर्ड तो सुन के ही खराब लग रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते। बच्चा आपका सूर्याणी या सूर्या, तो देख लीजिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्या, सूर्याणी नहीं होता। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, कारक, अगर आपको कारक विभक्ति के सारे चिन्ह याद हैं तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका संस्कृत में भी काम आने वाला है, हिंदी में भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया हुआ है। पेड़ से फल गिरा, तो आपको बताना है कि कौन से कारक की विभक्ति है। तो उससे पेड़ से कोई चीज़ गिरी मतलब अलग हुई, और अलग होने के अर्थ में से का क्या, कौन सा कारक आता है आपका? विभक्ति आदि, अपादान कारक, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा अपादान। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? अब ये आप अपने से बताइए।
माँ ने बच्चे को सुलाया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कर्म को, है ना, कर्ता नहीं कर्म को, तो कर्ता यहाँ पे माँ है, कर्म जो है बच्चे को है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो जो इसमें मुझे सही आंसर लग रहा है, एक्चुअली मुझे सिक्स सी नंबर जो है वो सही लग रहा है, महाशया, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण स्थान, एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान से जरूर जरूर आता है, तो ये भी यहाँ पे दे रखा है। इया का उच्चारण स्थान क्या है? इया का उच्चारण स्थान, तो इसका सही आंसर है तालु। नेक्स्ट है आपका 9th नंबर, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद ही बताना है आपको, संधि से है क्वेश्चन, सूर्योदय, तो इसका सही आंसर किस कर लिया आप लोगों ने, बिल्कुल कर ही लिया होगा, मतलब यूपीटेट की प्रिपरेशन से ही तो यही सब पढ़ रहे हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य धन उदय, और ये कौन सी संधि है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अभी रीजनिंग में मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, क्योंकि आगे रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको मैं टाइम दूंगी सॉल्व करने के लिए, इसीलिए इसमें अभी थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें इतना बेसिक ही है। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महेंद्र, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाधन इंद्र। आ जाते हैं इंग्लिश पे। हाँ, अब इंग्लिश तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगी, है ना, थोड़ी हाई लेवल की लगेगी, क्योंकि आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एन इमेजिनरी वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी, ध्यान रखिएगा वह इमेजिनरी, ठीक है, काल्पनिक संसार जहाँ पे सब कुछ सही होता है, सब कोई खुश होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, वैसे भी हमारी कल्पना पे तो सब कुछ अच्छा ही होता है ना, तो रियलिटी बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में, ये आपको बताना है। सो द राइट आंसर इज यूटोपिया, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। यहाँ पे आपको सैनोनिम्स बताना है, तो सिनोनिम्स ऑफ इंसॉलेंट का आपको समानार्थी शब्द बताना है, इंसॉलेंट, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, रूड, प्राउड, असर्टिव, नर्वस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रूड, ठीक है, इंसॉलेंट मीन्स रूड। और भी मीनिंग्स होती हैं, ठीक है, आप देखेंगे ना जब उसको डिक्शनरी में, आपको और भी मीनिंग मिलेगी, लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस है आपको उसी में से फाइंड करना होता है। एंटोनीम ऑफ ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी के एंटोनीम मतलब कि आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। देख लीजिए सारे ऑप्शन फटाफट। ऑटोक्रेसी अपोजिट हो जाएगा इसका, बिल्कुल दिख रहा है कि क्या होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेसी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज ब्लैंक। अब यहाँ पे से टेबल कौन सा सेंटेंस मतलब आना चाहिए यहाँ पे, तो आप देख लीजिए, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, आप जितना बिजली यूज करोगे, अब यहाँ पे देखिए, योर बिल विल बी हायर, विल योर बिल बी हायर, विल बी हायर योर बिल, और द हायर योर विल बी बिल विल बी। तो जल्दी से सेट करिए अपने सेंटेंस को, क्या आएगा सही सही यहाँ पे। मैं आपको जीवन कौशल और प्रबंधन और अभिवृत्ति वाला जो पोर्शन है, तो किसी ने एक व्यूवर ने कमेंट किया था, वो उसके क्वेश्चंस दीजिए, तो मैंने उनको बोला था कि मैं 2 दिन के अंदर आपको डायरेक्ट ही बता दूंगी, बिकॉज मेरे पास क्वेश्चंस काफ़ी हैं, नोट्स काफ़ी हैं, बट अभी उसको टाइप करने में ना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको डायरेक्टली आपको पढ़ाऊंगी। तो मैं आज आई, मैं स्कूल से आई हूँ, चेंज भी नहीं की, और 1-2 घंटे ट्राई किया, क्योंकि अभी मेरे पास कोई देखिए सेटअप तो है नहीं, मैं सिंपली अपने फ़ोन से एंड एक रूम जहाँ छोटा सा रूम जहाँ पे काफ़ी लाइट आती है वहाँ पे रिकॉर्ड करने की काफ़ी कोशिश की, कई बार काफ़ी देर तक पूरा पढ़ाया, क्वेश्चंस डिस्कस किए, लेकिन बार बार वही बैकग्राउंड नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज दिन का टाइम होता है तो, एंड चेंज भी नहीं किया था, खाना भी नहीं खाया था, 2 घंटे परेशान रही, देन छोड़ दिया, मैंने कहा चलो अब जिस दिन छुट्टी रहती है तो उस दिन मैं आपको ये देती हूँ रिकॉर्ड करके।
तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, मैं डायरेक्ट डिस्कस कर लूंगी, उसमें आपको हाई लेवल के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब ऐसे टाइप करने में क्या है कि टाइम वेस्ट होगा, और टाइम बिल्कुल भी है नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अगर आपने डी गेस किया था तो बिल्कुल सही है। कितने मार्क्स आए हैं लास्ट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ही सेड लॉन्ग मे यू लिव, ही सेड लॉन्ग मे यू लिव, आपको क्या करना है इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। तो ये आपका नरेशन से आ जाता है। और अब इसको आप इंग्लिश के क्वेश्चन को तो नहीं देखिए, नहीं कहिएगा कि ये मतलब छोटे लेवल का क्वेश्चन है, अभी ये आपके लेवल का क्वेश्चन है। ही सेड लॉन्ग मे यू लिव, इसको आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच में। देख लीजिए सारे ऑप्शंस। ही सजेस्टेड दैट माई लाइफ माइट बिलोंग, ही प्रेड दैट माई लाइफ माइट बिलोंग, ही प्रेड दैट माई लाइफ मे बी लॉन्ग, ही डिक्लेयर दैट माई लाइफ इज लॉन्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ही प्रेड दैट माई लाइफ माइट बी लॉन्ग। ये भी सही होता बट यहाँ अगर लॉन्गर ना लगा होता तो, क्योंकि जब ये आपका कंपेरेटिव डिग्री लग गया तो यहाँ कंपैरिजन की बात आ जाती है, जबकि कंपैरिजन जैसी यहाँ पे कोई बात नहीं है, सिंपली विश दी जा रही है। आते क्वेश्चन नंबर 16 में, यू कैनॉट थ्रो डस्ट इन टू माई आईज, ये यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, ठीक है, आपका ये एडम्स एंड फ्रेजेस वाले पोर्शन से है, चैप्टर से है। तो या थ्रो डस्ट इन टू माई आईज, इसका मतलब आपको बताना है। तो एब्यूज मी, हर्ट मी, चीट मी, टेरिफाई मी, तो थ्रो डस्ट इन टू माई आईज, आंखों में धूल झोंकना, बिल्कुल भी ये तो दिख गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीट मी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन के लिए आपको वन वर्ड बताना है। अ माइजर, अ क्लोज फ्रेंड, अ क्राउडली पर्सन, अ पावरफुल पर्सन, इट्स अ कॉवर्डली। ओके जल्दी से गेस करिए सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ माइजर। माइजर मीन्स कंजूस। यहीं पे आपका यही हो गया ना, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन है ना, जिसका हाथ हमेशा बंद ही रहता है, इसके हाथ से कुछ निकलता नहीं है, वही कंजूस। ठीक है, 18 नंबर पे आते हैं, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन टू पीपल्स मेमोरी, किसी भी महान व्यक्ति या घटना को लोगों के स्मरण में, याद में, मतलब हमेशा के लिए रखना, इसको क्या कहते हैं, आप देख लीजिए ऑप्शंस। सही आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही गेस किया होगा आपने, मुझे पूरा यकीन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कॉमेमोरेट। ठीक है, कॉमेमोरेट। आगे देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता तो मेमोरी वर्ड आया है, मेमोरी यहाँ से इस तरह से देख लीजिए तो आपको याद रहेगा, मतलब अगर नहीं याद होता है तो उसके लिए है, बाकी तो आपको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, तो आपका अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, जगह को क्या कहते हैं जहाँ बीज, मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, तो देख लीजिए ऑप्शंस। सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, एपियरी। ठीक है, आपको पता होगा जब एपी कल्चर में जो मधुमक्खी पालन करते हैं तो वो एक आर्टिफिशियल बी हाइव्स बनाते हैं, एपियरी में बीज को रखा जाता है एंड फिर वो पूरी प्रोसेस होती है जो कि नेचुरल नहीं होती, आर्टिफिशियल होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ हैव, हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बताना है, ये ध्यान रखिएगा। जनरली आप क्या पढ़ते हैं, जब वर्ब की फॉर्म पढ़ते हैं, तीन फॉर्म पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट देन पास्ट देन पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल रखा हुआ है तो आपको ये बताना है। तो इसका आप देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, हैड, हैज, हैविंग, हैव बीन, सही आंसर इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा हैविंग। ठीक है, आईएनजी फॉर्म जो लगती है वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। यहाँ से आपका देखिए रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सेकेंड्स का टाइम दे दिया करूँगी ताकि आप इसको आराम से, नहीं आपने कॉपी वगैरह रख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत पड़े पेन पेंसिल की तो अभी आप रख लीजिए, और आराम से 10 क्वेश्चन हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हैं, और जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं आगे चल के, तो हम ईजी से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर तब तक थोड़ा जाएंगे। तो
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन। यदि शब्द, आप देख लीजिए, शब्द कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। मतलब इनको जो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं, ABCD के ऑर्डर में लगा देते हैं, तो कौन कितने ऐसे लेटर रहेंगे जो जिनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि अगर वो चौथे स्थान पे है तो चौथे पे ही रहेंगे, तीसरे पे है तो तीसरे पे, इस तरह से। तो ये पहले सबसे इम्पोर्टेंट रीजनिंग में हो जाता है कि आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। समझ लिया तो आपका आंसर आ गया। तो चलिए टाइम दे रही हूँ, आप करिए। नहीं तो चलिए सॉल्व करते हैं, मैं भी साथ में करती रहती हूँ, ठीक है। तो इसको ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले ए आता है। ए इसमें कितने हैं, 1, और ये एक 2 है ना, ए ए। फिर क्या आएगा ए के बाद, ए बी, देन सी। सी आ गया यहाँ पे, आप भी सॉल्व करते रहिए अपना, है ना। फिर आपका जी आ जाएगा, फिर आई, ये अरेंज कर दिया। अब देखिए किसका जो है सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको ये देखना है कितने अक्षरों का। तो देखिए ए का तो मुझे लगता है दोनों का ही चेंज हो गया है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। सी का भी चेंज हो गया है ना, वहाँ फर्स्ट नंबर पे था, यहाँ पे थर्ड पे आ गया। जी का भी चेंज हो गया है, बेसिकली हो ही गया है। आई का देखते हैं थोड़ा, तो 1 2 1 2 3 4 5 6 नंबर पे था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आई का चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। एम का देखते हैं तो एम का चेंज हो गया है, एन का भी चेंज हो गया है, और पी का भी चेंज हो गया। तो सिर्फ एक यहाँ पे लेटर ऐसा है जिसका जो है प्लेस चेंज नहीं हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लगाने पे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी आंसर मुझसे पहले ही आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अभी देख लीजिए, मैं पहले ही आपको दिखा दूँ कि हर टाइप के क्वेश्चन है, वरना ऐसा ना हो कि दो तीन क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है आपके, और आपके ये सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चंस हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन है, सो डोंट वरी, हर टाइप के मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं आपको काफ़ी टाइम दे रही हूँ, आई जस्ट होप अगर कम पड़ रहा है या नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करके बताइए। और जिनको जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है रीजनिंग की, तो उनके लिए तो मतलब सफिशियंट टाइम है, एक्स्ट्रा ही है। एडल्ट्रेशन शब्द में दाएं से चौथे अक्षर की बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, दाएं से चौथे अक्षर के बाएं से पांचवा अक्षर। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को भटकाया है, हमारा दायां और वर्ड का दायां दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें होंगी, है ना। ये तो आपको पता ही है कि वो हमारे फ्रंट में आता है, तो इन्वर्टेड इमेज बनती है उसकी। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि दाएं से चौथा अक्षर कौन सा है। पहले तो हमें एक स्टेप पे जाना है, तो 1 2 3 4, टी जो है यहाँ पे दाएं से, ये टी, ये हमारा दाएं से चौथा अक्षर है। अब इसमें बोला है चौथे अक्षर के बाएं से पांचवा अक्षर। अब हम अगर इसके बाएं चलते हैं, इस अक्षर हमारा तो ये दायां ये था इधर से, ठीक है, ये हमारे हैंड का था। अब इस अक्षर के बाएं तरफ हमें चलना है, तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे क्या रहा है, एल आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल, ठीक है। अब जनरली इसमें गलतियाँ, अगर यहाँ पे ऐसे कुछ और भी होता है, एक दो वर्ड और होता, तो गलतियाँ लोग क्या करते कि टी तक आते, ठीक है, और फिर वापस इसी से डायरेक्शन में जाने लगते कि बाईं तरफ से जा रहे हैं। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसका अब बायां तो ये है ना हमारा, हम पहले अपने दाएँ से गए तो हम इधर से गए थे, अब इसके बाएँ तरफ ही जाना है, इस पर ध्यान रखना है। तो इसी तरह से कन्फ्यूज़ करने वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, छोटे क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। रीजनिंग पिछली बार भी जितनी आई थी ना, बहुत ईजी आई थी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सभी को पता है डिक्शनरी देखना आती है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। चलिए आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, आई जस्ट होप, क्योंकि बहुत ईजी है ये, ईजी क्वेश्चन है ये, मैम एक्सेप्ट कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है रीजनिंग का।
मतलब छोटे बच्चों वाली डिज्नी है ये। आगे देती हूँ अच्छे क्वेश्चन आपको, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऐसे देखना है हमें कि एफ एफ तो सब में आ रहा है, कॉमन है। फिर उसके बाद ए, तो ए भी सब में आ रहा है तो वो भी कॉमन, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है। फिर आता है आपका जो थर्ड है वो अलग है, तो आपको अब थर्ड लेटर के बेस पे अपने आंसर को फाइंड करना है। तो आपका पहले है के, फिर है एम, फिर है एन और फिर लास्ट में है एल। अब इसमें से सबसे पहले क्या आता है जब आप ए बी सी डी पढ़ते हैं, तो के आता है, तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। अब पूछा क्या है, तीसरे स्थान पे पूछा है। फिर जे के एल, आपका के के बाद एल आ जाएगा सेकंड स्थान पर, और फिर तीसरे स्थान पर क्या आएगा, एम। ये थर्ड स्थान पे एम आता है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन चारों वर्ड्स में से थर्ड प्लेस पे आपको कौन सा वर्ड मिलेगा, फेम मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये ब्लड रिलेशन से है ये क्वेश्चन। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सुधा ने कहा कि वह मेरी माता के पिता का इकलौता पोता है। ठीक है, मेरी माता के पिता का इकलौता पोता है। फोटो वाले आदमी का सुधा के साथ यानी सुधा से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सारे लिए दिखे हुए, तो आपको बस जब भी आप ब्लड रिलेशन सॉल्व करें ना, तो बेसिकली सबसे अच्छा तरीका जो यूज़ कर सकते हैं, जिनको ये मैथ ये सब कुछ ये सब नहीं समझ में आता, इसको छोड़िए, आप अपने सब पे ले लिया करिए। ठीक है कि मैं हूँ, सपोज सुबह सुधा मैं हूँ, तो मेरी माता के पिता मतलब मेरे नाना हो गए, और नाना का इकलौता पोता कौन होगा, मतलब नाना का इकलौता पोता होगा तो ऑब्वियसली वो मेरे मामा का लड़का होगा, तभी तो उनका इकलौता पोता होगा। तो अब मामा का लड़का होगा तो वो क्या होगा, वो मेरा भाई होगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज फिर आप जो है वो जो आप जब कोचिंग में पढ़ने जाते हैं तो आपको प्रॉपर बताया जाता है, ठीक है, रिलेशन का पूरा बना बना के, यहाँ से यहाँ गए यहाँ से, तो इस तरह से अभी आप कर सकते हैं। बट ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने कोचिंग नहीं की है या बहुत ही मैथमेटिकल लॉजिकल ऑर्डर में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन वाला आपका कभी गलत होगा ही नहीं अगर आप इस तरह से लगाएंगे। हमेशा अपने ऊपर ले लीजिए, क्योंकि आपके भी बहुत सारे रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 नंबर। देखिए टी का भाई के है, टी का भाई के है, के की माँ एम है, एम का भाई डब्लू है, और डब्लू तो डब्लू का टी से संबंध क्या है, समझना है। ठीक है, टी का भाई कौन है, के है, ये ब्रदर है। फिर के की माँ एम है, अब के की माँ एम है, ठीक है, ये मदर है। अब एम का भाई डब्लू है, एम का भाई फिर से डब्लू है, ये ब्रदर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहाँ प्लेस थोड़ा सा कम था तो मैंने इस टाइप में ही बना दिया है, सर्कल के फॉर्म में बना दिया है, हालांकि इस टाइप से नहीं बनेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। चलिए देख लीजिए, जैसे मदर वाला ऊपर जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पे। अब आप बताइए कि क्या है ऑप्शन डब्लू का, यानी डब्लू का टी से क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से, अभी तो मैंने ऊपर भी आपको ये बना के भी समझा दिया और ऊपर भी बताया मैंने कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए टी के का भाई है, तो मतलब जो डब्लू का रिलेशन जो के से होगा वही तो टी से भी होगा, और डब्लू का रिलेशन के से क्या होगा भाई, डब्लू की माँ, सॉरी ये ब्रदर है, डब्लू के भाई की मम्मी है, ठीक है, के डब्लू के भाई की मम्मी है, मतलब कि डब्लू की क्या है, मदर है। अब डब्लू की मदर है के, और के का भाई है टी, तो भाई मदर के भाई मतलब माँ के भाई कौन होते हैं, मामा होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मामा। हालांकि स्पेस थोड़ा सा कम था, ड्राइंग बहुत हॉचपॉच हो गई, समझ आया, पता नहीं आया आपको कि नहीं आया है, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन करने में इसको टाइम वेस्ट करूं कि ना करूं, आई डोंट नो, तो मैं नहीं कर रही हूं। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई नहीं, अगली रीजनिंग में मैं आपको खूब टाइम लेके या फिर रीजनिंग के ही क्वेश्चंस के आपको दे दिया करूंगी मॉक टेस्ट, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से अभी ये आपका ब्लड रिलेशन सही है, आगे आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी है। एम और एफ एक विवाहित दंपति है, एम और एफ एक विवाहित दंपति है, मीन्स हस्बैंड वाइफ है, और ए और बी बहने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एम एफ हस्बैंड वाइफ हैं और
आपकी ए बी जो है वो बहनें हैं, सिस्टर्स हैं। यहाँ पे ए एफ़ की बड़ी बहन है, ए एफ़ की, ये इसकी बड़ी बहन है। देखिए ये भी बहन है, ये भी बहन है, लड़की लड़की हैं दोनों, और ए एफ़ की बहन है। अब जाहिर सी बात है कि ए एफ़ की बहन है तो बी भी एफ़ की बहन ही होगी, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी बहनें ही हैं। ठीक है, तो अब ये अगर एफ़ की बहन है बी, बी एफ़ की बहन है, तो बी का एम से क्या रिलेशन होगा? भाई ये हस्बैंड है, ये उसकी वाइफ है, और वाइफ की बहन क्या होती है? फटाफट से बताइए, ये तो सबको पता होगा। बिल्कुल सही गैस किया, ऑप्शन नंबर बी, साली। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। समरथ ने एक गाड़ी में बैठी हुई औरत से कहा, मेरी पत्नी के भाई की इकलौती पुत्री तुम्हारी बहन के भाई की भाभी है। टाइपिंग बहुत फास्ट जल्दी में हुई है, तो थोड़ी सी मात्राओं की गलतियां हुई हैं। खैर इग्नोर दैट, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। मेरी पत्नी के भाई की इकलौती पुत्री तुम्हारी बहन के भाई की भाभी है। समझिए और सॉल्व करिए, टाइम दे रही हूँ मैं आराम से आपको खूब सारा। क्वेश्चन क्या है? औरत का पति समर्थ से किस तरह संबंधित है, ये आपको बताना है। देख लीजिए, आप समझ लीजिए, जैसे भी अभी दो तीन क्वेश्चन हो गए हैं ब्लड रिलेशन के, तो आप लगा सकते हैं खुद से। हाँ, फिर आपको कैलेंडर के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट उसमें प्रैक्टिस सेट में दूंगी। तो चलिए गेस कर लिया होगा आप लोगों ने, मतलब सॉल्व कर लिया होगा इसको। देख लेते हैं क्या होता है। मेरी पत्नी के भाई की इकलौती पुत्री, ठीक है, मतलब ये एक मैन है, इसकी पत्नी है, बड़ी सुंदर है, ऐसी ऐसी है। नहीं आती ड्राइंग, चलिए। तो मेरी भाई, मेरी पत्नी के भाई की इकलौती पुत्री, पत्नी का जो भाई है, ठीक है, ब्रदर है, उसकी डॉटर, उसकी पुत्री तुम्हारी बहन के भाई की भाभी है। भाई तुम्हारी बहन की, ठीक है, तुम्हारी बहन के भाई की भाभी है, या सिंपल आप कह दो कि तुम्हारी भाभी है ना। तुम्हारी बहन हो चाहे भाई हो, बात तो वही हुई, तुम्हारी बहन के भाई की भाभी मतलब तुम्हारी भाभी है, ये भाभी है डी, ठीक है। तो ये भाभी हुई तुम्हारी बहन की, तुम्हारी मतलब जिससे वो कह रहा है। तो अब आपको रिलेशन बताना है उस औरत, उस औरत का समर्थ से किस तरह से संबंध है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने अभी तक सॉल्व कर लिया है मन में, क्योंकि यहाँ स्पेस कम हो रहा है, मैं नहीं बना पा रही होती ड्राइंग। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामाद का रिलेशन है। अब कैसे है ये आप देख बार उसको, जब आपको आंसर बता दिया है तो आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। बिल्कुल जितना हो सके ना रीजनिंग सॉल्व करिए, रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और सॉल्व करते चलिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। पांच मित्र, अब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट सही है आपका। पांच मित्र पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमेशा पता होना चाहिए, जहाँ ना तो आपका डायरेक्शन वाला कभी गलत होगा, ना तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट वाला कभी गलत होगा, होगा ही नहीं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, और क्यू है आर के निकटतम बाई और तथा पी है टी के निकटतम दाई ओर, तो बीच में कौन बैठा? मान लेते हैं कि ये आपका एक बेंच है, तो इसमें आपको पहले देखना है कि एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये टी है, यहाँ हम मान लेते हैं ये क्यू बैठा है। तो एस कहाँ बैठा है? एस इसके बीच में बैठा है। अब क्या है, क्यू और आर के निकटतम बाई ओर तथा क्यू कहाँ है? आर के निकटतम बाई ओर, यानी कि Q जहाँ पर भी रहेगा उसके दाहिनी तरफ रहेगा आपका R, मीन्स यहाँ होगा आपका R, ठीक है, तभी तो Q बाई तरफ हुआ। अब क्या है दूसरा, P है T के निकटतम दाई ओर, सॉरी बाई ओर, तो P जो है वो T के बाई ओर है, मीन्स इधर होगा ये।
अब आपको बताना है बीच में कौन बैठा है। देखिए दिख रहा है आंसर, बीच में कौन बैठा है, कौन बैठा है? एस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के आमने सामने बैठी है। ठीक है, चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी है, आप इसको सॉल्व करिए। चौकोर मेज है मान लीजिए, ठीक है, कौन कितनी लड़कियां बैठी हैं, ये चौकोर मेज है, मैंने आप क्या बना दिया ये इस तरह से, चलिए हो गया, कुछ भी है, ऐसे बना सकते हैं क्योंकि चार ही लड़कियों को बैठाना है। तो यहाँ पे आप देखिए चार लड़कियां बैठी, राधा, शीला, महिमा और सीता। अब राधा शीला के दाई ओर बैठी है और महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से थे कौन आमने सामने बैठे। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ हम बैठा देते हैं राधा को, ठीक है, यहाँ हमने बैठा दिया राधा। तो अब यहाँ पे है कि राधा शीला के दाई ओर बैठी है, मतलब राधा जो है वो शीला के दाई ओर है, तो ये हो जाएगा मान लीजिए फिर शीला है आपकी यहाँ बैठी है, तभी तो वो उसके दाई ओर, जब इधर, क्योंकि इधर फेस करके बैठी है ना, इधर फेस करके, तो इसकी दाई तरफ ये आएगी, राधा आएगी। अब महिमा सीता के बाएं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाएं ओर बैठी है, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग बताया हुआ है। अब देखिए यह बाएं ओर बैठने का मतलब है कि मान लेते हैं कि अगर महिमा को हम यहाँ बैठा देते हैं, महिमा को हम यहाँ बैठाएंगे, तभी तो इसके बाईं ओर यहाँ सीता बैठेगी, क्योंकि अगर यहाँ बेदर मुँह करके हम महिमा को बैठाएंगे तो इसके बाएं ओर तो ऑलरेडी राधा बैठी है, तो नहीं बैठ पाएगी, है ना, दिमाग लगाने वाली बात है। तो इसीलिए हमें मजबूरी है कि हमें महिमा को इधर ही बैठाना पड़ेगा, तभी इसके बाई तरफ सीता बैठ पाएगी। तो इस तरह से ये आपका अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, अब आप बताइए कि इनमें से आमने सामने कौन सी जोड़ी आमने सामने बैठी। तो आप देख रहे हैं राधा और महिमा आमने सामने बैठी हैं और शीला और सीता आसपास आमने सामने बैठी हैं। ऑप्शन में क्या है? शीला और सीता, राधा और सीता। तो देखिए राधा और सीता तो आमने सामने नहीं बैठी हैं, है ना, अगल बगल बैठी हैं। राधा और शीला, तो राधा और शीला भी आमने सामने नहीं बैठी हैं। महिमा और राधा, तो बिल्कुल महिमा और राधा भी, राधा जो है वो आमने सामने बैठी हैं और शीला और सीता भी आप आमने सामने बैठी हैं। तो यहाँ पे आपका ये दोनों ही आंसर सही है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे आपको एक्चुअली एक ही ऑप्शन देना था और इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था, ए और डी दोनों। तो ये ही आपका सही ऑप्शन होगा और जब एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे, यहाँ पे मैंने नहीं, आई थिंक टाइपिंग पे के टाइम पे ध्यान इतना नहीं दिया, पर कोई नहीं, जब आपका अगर एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका ऑप्शन ए एंड डी बोथ इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो यानी सॉल्व करने का मैं तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से अगर आपने नहीं पढ़ी है रीजनिंग तो बिल्कुल आप उसको व्यवहारिक लेकर सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण, क्योंकि ये डायरेक्शन वाले से है और डायरेक्शन का अभी मैंने आपको बताया, ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये चीज़ ध्यान में रखना है और फिर सॉल्व करना है। तो सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है, वह फिर अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर चलती है। अब वह आरंभ बिंदु से कितनी किलोमीटर दूरी पे है? एग्जैक्टली कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती में आया था, अगर आपने पुराना पेपर रीजनिंग का उठा के देखा होगा तो आपको पता होगा। तो अब आप इसका सही आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, आराम से सॉल्व करिए, बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने प्रैक्टिस सेट दिया है और आपको कितने क्वेश्चंस बन पाए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पसंद आ रहा है आया आज का प्रैक्टिस सेट तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आप लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आपका अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली जब इतना, मतलब इतने कम टाइम बचा है, एकदम न्यू चैनल है, कुछ भी पहले से सेटअप नहीं है, इवन आफ्टर दैट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, तो प्लीज़ आप लोग मोटिवेट तो किया ही करिए, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।